भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1200 मिलेगा कुंटल का, अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है 1868 मिलेगा मेरी गारंटी, अब कहाँ बेचोगे? तुरंत करिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने, ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले, अभी क्या बोला मैंने, पंजीकरण नहीं लाया है, आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण, उसकी गलती है पंजीकरण नहीं हुआ है, वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा, कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं, खत्म नहीं करना है, आपको कराना है ये तीनों चीजें, आपको कराना है, किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से, किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सीधे सीधे बहाना पंजीकरण, एसडीएम साहब को बताओ कि ये के नाम नोट करिए, सत्यापन करिए, टोकन नहीं जनरेट है करवाओ, और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए बाहर, ये कोई 1200-1000 रुपए नहीं जाएंगे, सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है, मॉइस्चर मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर ना सुनू अब मैं, एक एक पे जाएंगे आप, आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ, एक एक जो ये ढेर लगे हैं ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएंगे, उनको खरीदवाएंगे, ठीक है, जब तक इनके दो कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता, पूरा हो गया है उस समय कोई किसान आए उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पर ले, ठीक, जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे, हम शासन से अनुमति लेके देंगे, जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा, एक एक दो दो दिन नहीं रुकेगा, बिल्कुल।